हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट फ्लिक्स बॉलीवुड मीडिया। आज हम आए हैं, फेम स्टूडियो का लॉन्चिंग है आज, और आज इसमें एक मुस्कुराना तेरा गाना रिलीज़ होने वाला है जिसको फैज़ अनवर साहब ने लिखा है। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम इसके कास्ट से भी मिलेंगे, सिंगर से भी मिलेंगे, और इस गाने के लिरिक्स राइटर फैज़ अनवर साहब से भी मिलेंगे। आइए हम मिलाते हैं इस गाने की सिंगर तनु श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने मुस्कुराना तेरा गाया है। करते हैं उनसे बातचीत। हाँ तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेट फ्लिक्स बॉलीवुड मीडिया में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस गाने को आपने गाया है? जी हाँ, ये एक डुएट सॉन्ग है, एंड इसका जो मेल वर्जन है, मतलब एक ही वर्जन है, बट ये डुएट सॉन्ग है, और मैंने रिहान जी का साथ दिया है। मैंने अंतरा गाया है बेसिकली। तो इसके पहले भी आपने कुछ गाना गाया है? जी, मैं काफ़ी टाइम से म्यूज़िक में हूँ, एंड फ़िलहाल तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गाना रहेगा। और इसके पहले मैंने गाना गाया है, बट मैंने मेजरली रियलिटी शोज़ किए हैं। तो मैं रियलिटी शो से निकली हूँ, एंड 3 साल से बॉम्बे में हूँ, एंड फाइनली ये मेरा गाना आ रहा है। इसके पहले 2 गाने आए थे जो मैंने खुद कंपोज़ किया था, बट बड़े पैमाने पर देखा जाए तो दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माई लाइफ। तो अभी आज आपने बहुत बड़े दिग्गज फैज़ अनवर साहब का अगर गाना करने में, एक अंदर से मतलब कैसी खुशी हो रही है आपको? जी, बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड थोड़ी थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने पूरा बेस्ट देने का ट्राई किया, एंड आई रियली होप कि मैंने जैसे दिल से गाया वैसे दिल से लोग लाइक करें। एंड सबसे पहले तो मैं फैज़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फैज़ जी से मेरी मुलाकात हुई, एंड उन्होंने सोचा कि मैं कुछ कर सकती हूँ म्यूज़िक में, उन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं उनके लिए गा रही हूँ, उनकी कंपनी की आर्टिस्ट हूँ, एंड ये मेरा पहला गाना है। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा। तो आप अभी सुन रहे थे तनु श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुस्कुराना तेरा गाया है, और अब मिलाते हैं इसके बाकी कास्ट और सिंगर से, और इसके लिरिक्स राइटर फैज़ अनवर साहब से भी। मेरा नाम फैज़ अनवर है जी। छोटा बड़ा काम करता हूँ इंडस्ट्री में, इसके पहले कुछ लिखा है, लोगों ने थोड़ा बहुत पसंद भी किया है। और पूछो फैज़ जी, अगर ये गाने की बात करें, किस प्रकार का एल्बम की बात करें जी, किस प्रकार का एल्बम था, क्या जी कहना चाहेंगे, और आप क्यों इन्वॉल्व हुए एल्बम में? आपका जो नाम है या जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा नाम है जी, एल्बम से क्यों आपने? जब मैं फिल्मों का दौर चल रहा था इंडस्ट्री में, मुझे आए हुए 35 साल हो गई, 35 ईयर्स दिल है के मानता नहीं से सफ़र शुरू किया, बल्कि मेरी फिल्म दिल है के मानता नहीं पहली पब्लिक की नज़र में है। सबसे पहले मैंने काम किया था शंकर जयकिशन, आर डी बर्मन साहब की फिल्म रिलीज़ हुई, रोबिन खोसला साहब की, वो बाद में आई दिल है के मानता नहीं के बाद में। सफ़र मेरा वहाँ से शुरू हुआ था, शंकर जयकिशन, आर डी बर्मन, दिल है के मानता नहीं से अभी जो सफ़र रहा राउडी राठौर तक जो रिलीज़ है, अनगिनत सॉन्ग मार्केट में सभी जानते हैं, सुपरहिट है, दिल है के मानता नहीं, साजन, जितने भी हैं। उस दौर में भी मैं एल्बम लेके चल रहा था, एल्बम दीवाना, जहाँ से सोनू निगम खड़ा हुआ है, सोनू निगम जो सिंगर है, पता है आपको, सोनू निगम की लाइफ का मील का पत्थर है वो दीवाना एल्बम, दीवाना, जान, आशिकी, बहुत सारे एल्बम हैं जो सुपरहिट हुए। तो एल्बम में जब पॉप लोग बोले थे पॉप, लेकिन पॉप की नज़र में पॉप चल रहा था, वो गाने चलते थे, आपको पता है कैसे गाने चलते थे। उस दौर में भी मैंने एल्बम किए और वो सब सुपर डुपर हिट है। दीवाना एल्बम ऐसा है जिसे गाने रिकॉर्ड हुए 8 और शूट हुए 19 गाने, यानी एक गाना 2 बार 3 बार भी शूट हुआ अलग अलग मॉडलों पर। तो वैसे रिकॉर्ड में शुरू से ही मेरी नज़र में सॉन्ग, चाहे फिल्म का हो या एल्बम का, उसकी अहमियत बराबर है और वह हिट होते हैं। अभी रह गया सवाल आपने जो पूछा कि इस गाने से, तो ये गाना जो है आज म्यूज़िक का दौर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि डिजिटल मार्केट हो गया है, सीडी कैसेट का ज़माना ख़त्म हो गया है। तो मेरे दिल में काफ़ी टाइम से ख्वाहिश थी कि अपनी एक म्यूज़िक कंपनी खोलूं, म्यूज़िक लेबल लेके आऊं। तो आज मैं लेके आया हूं जो फेम स्टूडियो है, जिस लेबल से, म्यूज़िक लेबल से ये रिलीज़ हो रहा है गाना मुस्कुराना तेरा, ये मेरा अपना खुद का म्यूज़िक लेबल है
फेम स्टूडियो, इसका ओरिजिनल नाम है फैज अनवर म्यूजिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड जी। तो इससे ये रिलीज़ कर रहा हूँ और ये गाना रोमांटिक थोड़ा सूफी टच लिए हुए है, तो मुझे इस गाने से कितनी उम्मीद है, मेरे नज़रिए में यार मेरी सोच में ये गाना सुपर हिट है। मैं जो भी गाना लिखता हूँ मुझे पहले से खुशबू आती है, ये गाना कितना बड़ा हिट है या कितना चलेगा ये मुझे पता है, ये गाना सुपर हिट है और जो चीज़ हिट होती है वो पहले उसको सराखों पर लेती है, मुझे पहले से पता है। बेहतरीन शायरी है, बेहतरीन कंपोजिशन है, मैंने लिखा है, कंपोज़ किया है मेरे बेटे ने फरजान फैज़, वो संगीतकार बहुत अच्छा संगीतकार है, अभी काफ़ी सारा काम कर रहा है वो फरजान फैज़, उसने कंपोज़ किया है, गाया है रिहान खान ने, तनु श्रीवास्तव ने, न्यू सिंगर है ये, हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए गाएंगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमने साइन किए हैं और पब्लिक के हिसाब में जो लोगों को पसंद है अच्छा म्यूज़िक, एक मेरी सोच थी वो मैं अच्छा बोलो या हर तरह का बोलो, दोनों बातें हैं अच्छा, और अगर मैं बोलूँ ये अच्छा है पब्लिक की नज़र में तो कुछ म्यूज़िकल लोग ऐसे हैं जिनको शायद अच्छा ना भी लगे, तो बहुत सारी कंपनियाँ तो हर तरह के गाने रिलीज़ होंगे, लेकिन कोशिश रहेगी जो भी आए। रेहान को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ अभी, उसके बाद आई थिंक रिसेंटली दो साल से जानता हूँ मैं, उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कभी भी कुछ भी जब मैं नया कुछ कंपोज करता हूँ मोस्टली मैं उसकी वॉइस में एक डेमो रिकॉर्ड करता हूँ कि चलो मैंने कुछ गाना कंपोज किया है, स्पेशली जो गाने ऊपर वाले रेंज के होते हैं हाई रेंज के, मैं हमेशा उसे ट्राई करता हूँ कि भाई तुम गाओ कैसा लग रहा है, सुनता हूँ एक टोन मिलता है मुझे। तो जब भी मैंने गाना कंपोज़ किया था मैंने जब भी देखो तुझे, तो जब भी मैंने गाना उसे भेजा तो मैंने सोचा, मुझे मेरे माइंड में आ गया था कि गाना बहुत ज़्यादा हाई है तो आई थिंक रिहान की वॉइस में वह ट्राई करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने उसे गाना भेजा, उसने गाया तो मैंने सुना, डैड ने सुना, हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़, मतलब मुझे पता था कि वो उसकी वॉइस में अच्छा लगेगा ही लगेगा, और जब उसने गाया और फिर जब मैंने अपने मतलब घर पर सुनाया लोगों का फीडबैक दिया, लोगों ने बोला नहीं ये गाना रिहान से गवाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से मैंने रिहान को चूज किया कि हाँ रिहान को गाना चाहिए। और प्लस जो हमारी जो कंपनी है फिल्म स्टूडियो, उसमें मेरा गोल यही है कि हम जितना हो सके जो न्यू आर्टिस्ट है उनको हम चांस दें, जो भी टैलेंटेड है हम साथ में साथ जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ भी काम करेंगे, बट हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि जितने न्यू आर्टिस्ट हैं उनको चांस दें, इसलिए मैंने इसमें रिहान खान को चुना है और तनु श्रीवास्तव, वो दोनों हमारे आर्टिस्ट हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे खुशी हो रही है कि उनके साथ हमारी जो कंपनी है वो लॉन्च हो रही है आज। हाय दिस इज़ मी रिहान खान, और मुस्कुराना तेरा मुस्कुराते रहे सब यही हमारी दुआ है, और अभी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है मुस्कुराना तेरा टीज़र से, और गाना लॉन्च हो रहा है आज, और इंशाल्लाह ताला लव सॉन्ग है, वैलेंटाइन के जितने भी कपल्स हैं और जितने भी लव बर्ड हैं उनके लिए है, ये नहीं कि कोई एज लिमिट है, हमारे जितने हमसे एल्डर है यानी कि सब एज ग्रुप के लिए ये लव सॉन्ग है और हमेशा रहेगा एवरग्रीन इंशाल्लाह, है ना। तो कैसा लग रहा है गाना आपको मिला, और इतने बड़े राइटर जी, इतने बड़े राइटर फैज़ अनवर साहब का गाना है, आपको गाना मिला और इतना अच्छा गाया है आपने, तो कैसा लग रहा है, कैसे मिला आपको गाना, बताएंगे। सबसे पहली पहली बात तो ये है कि मुझे ये गाना, मैं उनके टच में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, तो उनके बेटे का कॉल आया मेरे पास फरजान फैज़ का जो इस सॉन्ग के कंपोज़र हैं। आपका एल्बम रिलीज हुआ मुस्कुराना तेरा जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज इतने टाइम के बाद नॉर्मली मतलब कोरोना के बाद ये पहला हमारा मतलब जो सब चीज़ें जैसे को आपको पता है कि सब पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, तो नॉर्मली वापस रिज्यूम हुई है और ये मेरा पहला काम है, और मेरी जो म्यूज़िक कंपनी जो लॉन्च हो रही है मेरे डैड की फेम स्टूडियो फैज़ अनवर म्यूज़िक स्टूडियो मेरे डैड के नाम पर, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो पहला काम है वो आज रिलीज़ हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इसे सुने और अपना फीडबैक दे, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ उस चीज़ का जी। तो ये कॉल फरजान फैज़ जो है फैज़ अनवर साहब के जो बेटे हैं उनका कॉल आया मेरे पास कि रिहान एक गाना तुम्हारे मूड का किया है कुछ, मुखड़ा मुखड़ा उस वक्त हुआ था, तो मैं पहुँचा उनके पास और हम लोगों ने सेटिंग की, गाना उन्होंने गा के कुछ बताया मुझे, मैंने कहा गाना तो वाकई में अच्छा, और फिर जो कमाल का जो वो लिख रहे थे फैज़ साहब, तो वो लिखते जा रहे थे, वो बताते जा रहे थे, और मैं मतलब उसको धुन में मतलब क्या बोलते उसको गुनगुनाता जा रहा था, तो वहीं से मुझे लग रहा था कि ये गाना वाकई में बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिट होने वाला है, तो काफ़ी। और उसके बाद हमने जब फाइनल मुखड़े हुए अंतरा हुआ, अंतरे में एक हमारी फीमेल को सिंगर हैं जिनका नाम तनु श्रीवास्तव है, बहुत कमाल का गाती हैं, बहुत प्यारी वॉइस है। तो सिंगिंग में आपका आना कैसे हुआ?
मैं एक्चुअली सर छोटे से गाना मैंने शुरू कर दिया था. मैं 2.5 साल की थी जब मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था एंड लकीली फर्स्ट आई थी. वो कॉम्पिटिशन था जो स्टेट लेवल पे हो रहा था तो मेरी सिटी में हुआ एंड लोग मानते नहीं हैं यूजुअली बिकॉज 2.5 साल में एक्चुअली बोल नहीं पाते. लेकिन मुझे भी मेरी कहानी मम्मी पापा के ही मुँह से पता है क्योंकि मुझे भी याद नहीं है उस टाइम का ज़्यादा. बट उसके बाद मम्मी पापा को लगा हाँ शायद कुछ कर सकती है म्यूज़िक में. मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है एंड 19 ईयर्स हो गए कि मैं म्यूज़िक कर रही हूँ. 19 ईयर्स से मैं म्यूज़िक कर रही हूँ. क्लासिकल सीखा है मैंने. और इस सॉन्ग से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तोहफा है और ऑडियंस है, जितने फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको ये एक तोहफा मिल रहा है फेम स्टूडियो के थ्रू. तो गाना वाकई में कमाल है. अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गाने को सुनिए और मुस्कुराइए. मुस्कुराइए, मुस्कुराने दीजिए लोगों को, क्योंकि मुस्कुराना वर्ड्स बहुत ही पावरफुल वर्ड्स है. हैप्पीनेस, और हम लोग हैप्पीनेस खुशी महसूस करते हैं. तो ये खुशियों वाला गाना है. वैलेंटाइन का टाइम है, अभी आ रहा है, तो कपल्स के लिए है. और जितने भी सारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं फैमिली वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस मुस्कुराते रहिए, मतलब जुड़ जाइए मुस्कुराने. मुस्कुराना तेरा सॉन्ग से, और रेहान खान को दुआएं देते रहिए. अभी हमारे साथ है मुस्कुराना तेरा की एक्ट्रेस रोजल खान जी. आइए हम उनसे ही बात करें. बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा सॉन्ग है और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा ब्रेक मिला है, तो बस होपफुली कि अच्छा हो बहुत. और ये बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है. इसके पहले भी आपने खुश किया है? हाँ, इससे पहले मैंने किया है. अभी ये सर का ही है, यही से ब्रेक मिल रहा है मुझे अभी. अच्छा. हाँ, मैंने 2 फिल्में किया है सर की, स्टेट सिंगर और ये हज़रतगंज, दोनों एज अ लीड में किया है. बस काफ़ी सारे शोज़ किए, रियलिटी शोज़ किए, ऐसे धीरे धीरे जर्नी बढ़ती रही. मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्पेशली मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पापा, भाई, बहन, सबका काफ़ी काफ़ी सपोर्ट रहा. एंड अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर ये मेरा एल्बम निकल रहा है आप लोगों के सामने हूँ, तो ये इसलिए ही है बिकॉज़ क्योंकि ऊपर वाले एंड मेरे पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है एकदम स्टार्टिंग से. मैं बताना चाहूँगी, मेरे पापा को भी संगीत में बहुत रुचि है. वो खुद करना चाहते थे कुछ, बट ठीक है, कुछ दिक्कतों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए. तो वो अपना सपना मुझ में देखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनका सपना पूरा करूं. इसलिए वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के दिन के लिए. मैं तो सिंगर हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा, स्पेशली पापा, मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड. जब भी देखो तुझे ऐसा लगता. गाना वाकई में कमाल है. और हम आप दो लाइनें गाता हूँ मैं. जब भी देखूं तुझे ऐसा लगता मुझे, लूट लेना कहीं मुस्कुराना तेरा, ये तेरे हुस्न में घुलती राना हिया, और अंदाज़ ये आशिकाना तेरा. तो आप ये मुस्कुराना तेरा गाना मतलब कैसे मिला फैज़ जी से, कैसे मुलाकात हुई और कैसे आप इस गाने में आए? मेरे ख्याल से जब फैज़ जी ने ये गाना लिखा होगा और ये गाना बन रहा होगा तो उनके जहन में कहीं ना कहीं होगा कि मैं शायद निभा पाऊँ इस गाने को. और उन्होंने मुझे बुलाया मीटिंग में, मतलब हम सिटिंग कर रहे थे, कंपोजिशन हुई, लिरिक्स हुआ, सब पियानो पे, रेहान भी थे वहाँ पे, सब लोग थे. एंड मैंने गाया, उनको पसंद आया तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं. एंड ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड किया स्टूडियो में. चलो थैंक यू तनु जी. नॉर्मली बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नॉर्मली मुझे अपने डैड के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. स्टार्ट पहले भी मिला है बट, लेकिन जब भी मैं उनके साथ काम करता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे. डांट भी पड़ती है बट सीखने को भी मिलता है. और जैसा कि ये जो गाना है मुस्कुराना तेरा, ये काफ़ी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा होप इसलिए है क्योंकि जो इसकी ट्यून है, मेलोडी है, वो हमने बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना रख के एकदम जो हमारा जो इंडियन जो स्टाइल है उस चीज़ को हमने फॉलो किया है. और जो उसे मेरे डैड ने लिखा हुआ है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि वो कितना अच्छा लिखते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो मैंने ट्यून कंपोज की है उनकी लिरिक्स को उस चीज़ का जस्टिस मिले. और ये गाना गाया है अपना रेहान खान और तनु श्रीवास्तव ने, दोनों ने बहुत बहुत अच्छा गाना गाया है. और कास्ट में है रोजल खान, रवि भाटिया, मुदित गुप्ता. और नॉर्मली तो मैं ये
एक्सपेक्ट करूँगा कि ये चीज़ को जैसे अब जो कि रिलीज़ हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा हूँ कि नॉर्मली कैसा फीडबैक अब मतलब आ रहा होगा। अभी तक मैंने कुछ मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं जस्ट रुका हूँ कि जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो तो मैं सबसे पूछूँ कि लोगों को कैसा लग रहा है वो गाना। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस, इस गाने के माध्यम से मैं ग्रेट फ्लिक्स बॉलीवुड मीडिया के माध्यम से उन दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इनकी जो क्लिप्स हैं उनको शेयर करें, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ ग्रेट फ्लिक्स बॉलीवुड मीडिया के थ्रू मेरा ये गाना आ रहा है, मेरा इंटरव्यू आ रहा है। तो मुस्कुराते रहिए और ग्रेट फ्लिक्स बॉलीवुड मीडिया को मुस्कुराने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके जितने भी आते हैं क्लिप्स, प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और रिहान खान को प्यार दीजिए। देख शीशे में है सिर्फ चेहरा तेरा, लज्जतों पे लगा आज पहरा तेरा, तू सहारा बना जिंदगी का मेरे, अस्तरा हो रहा आशिकी का मेरे, वो तसलसल तेरे इश्क से जुड़ गया, कुछ पता ना चला होश कब उड़ गया, मचलने लगी है मेरी बेखुदी, मुझे क्या खबर चले जस्तजू, दरारा दीवाना तेरा, दीवाना तेरा, जब भी देखूं तुझे ऐसा लगता मुझे, लूट लेना कहीं मुस्कुराना तेरा, ये तेरे इश्क में घुलती राना हिया और अंदाजे आशिकाना तेरा, इश्क की लज़्ज़तें ले रहा दे मेरा और पैगाम ये दे रहा दे मेरा, बाजू खो जाऊं मैं, नूर की हर किरण बन गई चांदनी, तेरी नजरों ने यूं छेड़ दी रागिनी, मचलने लगी है सभी ख्वाहिशें, ये दिल करता है रोज फरमाइशें, हुआ जा रहा हूं दीवाना तेरा, दीवाना तेरा। सो पहला गाना प्लीज देख लो। नहीं ऑनेस्टली बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और बहुत सारी उम्मीदें होती है, मैं ही नहीं, जब कोई भी अपना कोई आर्टिस्ट भी अपना गाना निकालता है तो जो आशाएं होती हैं वो बस यही होती हैं, हमने दिल से गाया है, आप दिल से उसे लाइक करें, और अगर आपको सच में पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए उसे, जितना हो सके अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड वही हमारे लिए अच्छा रेस्पॉन्स। खुशी की बात यह है, अभी मैं रास्ते से आ रहा तो काफ़ी लोगों के मतलब एक गुड विशेज सब बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट होगा, तो एक जो अंदर से वाइब्स आती है बहुत अच्छी आ रही है ना, होपफुली हो ऐसे लग रहा है ना, जी, जी, जी। तो इन्जॉय करेंगे सेलिब्रेशन इसका, अभी तो इन्जॉय कर ही रहे इस मोमेंट को जी। तो ये है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेलिब्रेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एक 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 मुखड़ा से मुखड़ा का मैं ले लूँ, मुखड़ा मुखड़ा ले लूँ, आप गा लीजिए आपका मुखड़ा मुखड़ा गा लीजिए। जब भी देखूं तुझे ऐसा लगता मुझे, लूट लेना कहीं मुस्कुराना तेरा, ये तेरे इश्क में घुलती राना हिया और अंदाजिए आशिकाना तेरा। थैंक यू। तेरा मुस्कुराना जो दिल है के मानता नहीं फिल्म थी, जब मुझे उसका म्यूजिक दिया गया था लिखने के लिए तो महेश भट्ट साहब ने मुझे दी थी ये सॉन्ग है, धुन भी उसकी रेडी थी, उसके पहले मुझसे पहले उस गाने को कैफी साहब और बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग लिख चुके थे, कैफी साहब ने लिखा था आओ के प्यार हम करें उस म्यूजिक पर जो है दिल है के मानता नहीं। तो जब वो म्यूजिक मुझे दिया और मैंने वो गाना लिखा दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं, तो उस गाने से उस धुन से फिल्म का नाम निकाला गया था दिल है के मानता नहीं। और ऐसा अक्सर होता है, तो गाने के अंदर जो हमारी शायरी है जो सॉन्ग है कि जब भी देखूं तुझे ऐसा लगता मुझे, लूट लेना कहीं मुस्कुराना तेरा, तो वो जो है वो टाइटल वहाँ से उठा के रख दिया, और ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं लोग, और मैं तो ज़्यादा करता हूँ एल्बम में
फिल्मों में अगर, क्योंकि प्रोड्यूसर उनकी खुद के पहले से नाम फिक्स होते हैं, कहीं लगा तो वैसा कर लेते हैं जी। और कुछ आने वाला प्रोजेक्ट है शेयर करना? आने वाला नहीं, आने वाला कुछ फिल्में हैं जो चल रहा है काम, और रहेगा मेरी इस कंपनी में बहुत सारा काम है। इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ कम से कम अनलिमिटेड सॉन्ग्स पर काम कर रहा हूँ, बहुत सारा, और बहुत अच्छा अच्छा काम आएगा, लोगों को सुनने को मिलेगा जी। अच्छा, पैंडेमिक के दौर से हम बाहर निकले हैं, तो आप बॉलीवुड के फैटर्निटी भी रहे, तो जी कैसा रहा, आपको शेयर करना चाहेंगे वो दौर? लोग भूल, जीना भूल गए थे, मुस्कुराना भूल गए थे, अब धीरे धीरे पटरी पे गाड़ी आ रही है, उसको लेके कुछ शेयर करना चाहेंगे आपको? वो तो सारी दुनिया थी परेशान, वो कोई ऐसे कि हम या हमारी इंडस्ट्री नहीं, सारी दुनिया का वही हालम था, सारी दुनिया का वही हाल था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हर जगह जिंदगी पटरी पर तो आ ही रही है ना, कुछ नहीं, वो सबके साथ गुजरा है, हमारे साथ, हमारी इंडस्ट्री में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जी। ओके, और ये एल्बम इसके परमाकल के पहले शूट हुआ था, उसके बाद हुआ था? अभी शूट किया है ये एल्बम, एक महीना पहले, अराउंड नहीं, दिसंबर में शूट किया है। ओके जी। लोकेशन वगैरह क्या? लोकेशन बाहर की है, एग्जैक्ट पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बाहर की है जी। और कैसा केमिस्ट्री रहा एक्टर्स, एक्ट्रेस और सिंगर्स वगैरह? अल्लाह करम है, अपनी केमिस्ट्री सबके साथ अच्छी होती है, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, सब ने दिल से काम किया सब ने। कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से जो देख रहे हैं आपको? क्या कहना चाहूँगा, इतना पता है मुझे, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, जिस तरह से उन्होंने मेरे पहले गाने सराखों पर लिए हैं, और मेरा नहीं किसी का भी, अगर अच्छा म्यूजिक है, अच्छा सॉन्ग है, तो वो लोग लेते हैं, और मुझे यकीन है इसको भी, वो लोग, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है सुनने वालों को, जो म्यूजिकल म्यूजिक प्रेमी होते हैं, वो लोग सराखों पर इस गाने को लेंगे, और मुझे पूरा यकीन है म्यूजिक सुपर हिट है, गाना सुपर हिट है, कॉन्फिडेंस है। थैंक यू, शुक्रिया। आज भी आँखों में है शरारत वही, दिल को तड़पाने की तेरी आदत वही, लुटा है सुकून ये है कैसा जुनू, कहे दिल मेरा कि मैं तुझको चुनू, हुआ जा रहा हूँ दीवाना।